गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य वेश शर्मा और आज मैं कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ। स्पेशली ये जो वीडियो है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम बना रहे हैं, साइंस से रिलेटेड। जैसे मतलब देखिए, हम एनर्जी की बात करते हैं, हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, साइंस स्टूडेंट्स स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं, पर ये है क्या चीज़ है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये वर्ल्ड बना कैसे, ये यूनिवर्स बना कैसे है। ये यूनिवर्स बना है मैटर और एनर्जी से, और मैटर में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, 118 एलिमेंट्स के बारे में। और ये एनर्जी जो है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा, हर जगह पे ओशन ऑफ एनर्जी है हर जगह पे पूरे यूनिवर्स में। अब हम आपको मैं बताता हूँ कि मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस मामले में पता नहीं चलता है। जैसे कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, तो एक ही आंसर हमारी हमारे दिमाग में आता है कि वो सेल से बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं, टिश्यूज जो है सेल से बने हैं। अब ये सेल्स बने हैं बायोमोलिक्यूल से, मतलब ट्रिलियंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ने मिलके, ट्रिलियंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ने मिलके जो है हमारे सेल्स बनाए हैं। मतलब और ये बायोमोलिक्यूल किस चीज़ से बने हैं, यहाँ आके मैक्सिमम लोगों को, मतलब 70% ऐसे हैं जिनको इससे आगे थोड़ा सा पता नहीं चलता है कि किस चीज़ से बने हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये बने हैं एटम से, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऐसे कई एटम्स हैं जिनसे जुड़ के ये मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब ये एटम किस चीज़ से बने हैं, ये बने हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। और आप जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में सर रदरफोर्ड ने बताया था, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो प्रोफेसर जे जे थॉम्सन ने की थी। मतलब हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग में तो ये कर देते हैं कंसिडर कि एटम्स हैं, मतलब हर चीज़ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से बनी है, पर ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम सेल्स ही समझते हैं, पर ये सेल्स भी अंदर बायोमॉलिक्यूल्स और अंदर एटम्स और अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं। यानी हर एक चीज़ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, जो भी मास आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है और इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने दोनों हाथ को इस तरीके से रखा है, तो मैंने साइंस के अकॉर्डिंग अपनी ये दोनों हाथों को कॉन्टैक्ट में नहीं लाया है। आपको लग रहा है मैंने टच किया है, आपको लग रहा होगा मैंने टच किया है, और अगर कोई देखेगा भी तो टच किया है सच में, पर साइंस के अकॉर्डिंग मैंने टच नहीं किया है। कैसे? क्योंकि देखिए, मेरे हाथ सेल से बने हैं, सेल्स अंदर बायोमॉलिक्यूल से बने हैं, और जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं अंदर एटम से बने हैं, एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, ऐसे करोड़ों अरबों न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब जैसे मैंने अपने हाथ को टच किया है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन होती है। तो मतलब एवरीथिंग इज अ फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन एंड एनर्जी, जो कि द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी इस मामले में बताया था। तो ऐसी ही फैक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।